वो भीतर जो नाद बज रहा है, धारो ध्यान लगाकर बैठो, प्राण अपना मिला एक ठोर, रेचक पूरा कुंभ क्रिया सेण गुरु की पाओ होड़, पहली पेड़ी अदर गणेशा, स्वादिष्टान चक्र सिर का मोड़, ऐसे 10 नाद है भीतर जो सतत बज रहे हैं, लेकिन उसकी जानकारी मिलती है सदगुरु से शब्दों के जरिए। इसलिए ज्ञान की जड़िया माने दई दी रे सती गुरु ने, ज्ञान की जड़िया माने दई दी रे सती गुरु ने, सती गुरु ने वो मारा मालिक ने, मालिक ने ज्ञान की जड़िया माने दई दी रे सतगुरु ने, ज्ञान की जड़िया माने दई दी रे सतगुरु ने, जड़िया तो माने लागत प्यारी, वा जड़िया तो माने लागत प्यारी, है ये मारा तरस से भरी वो ज्ञान की जड़िया माने दई दी हो सतगुरु ने, ज्ञान की जड़िया माने दई दी हो सतगुरु ने, सतगुरु ने वो हमारा मालिक ने, सतगुरु ने वो हमारा मालिक ने, ज्ञान की जड़िया माने दई दी हो सतगुरु ने, ज्ञान की जड़िया माने दई दी हो सतगुरु ने, सुना होगा कि 14 लोक ऐसा बोलते हैं कि 14 लोक है, तो वो 14 लोक ऐसा नहीं है कि ये जैसी धरती है तो कोई ऊपर लटक रहे होंगे, एक लोक वहां एक लोक वहां एक लोक वहां, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में जो कमर से नीचे जो है 7 लोक नीचे हैं और कमर से ऊपर 7 लोक है, नाभि केंद्र है, और दोनों 7-7 लोक के बीच की जो संध्या काल है, दोनों के बीच का जोड़ है,
सातवें से आठवें पे और नीचे सातवें से ऊपर आठवें पे दोनों के बीच जो केंद्र है उस केंद्र में एक स्थान है जहां पर उस कुंजी की बात करते हैं और वो कुंजी जो है वो जीवन का परम तेज है, वो परम ज्योति है जो यहां पर संग्रहित है नाभि से नीचे। उस ज्योति तक ये जीव पहुंच नहीं पाता, हमारी सूरत पहुंच नहीं पाती। क्यों नहीं पहुंच पाती? इस शब्द में कहा है सद्गुरु ने, काया नगर बीच अजब एक बंगलो, काया नगर बीच अजब एक बंगलो, गुपात धरी वो ज्ञान की जड़िया माने दई दी हो, सतगुरु ज्ञान की जड़िया माने दई दी हो सतगुरु ने। हो सतगुरु ने हो मारा मालिक ने, ज्ञान की जड़िया माने दई दी हो सतगुरु ने, ज्ञान की जड़िया माने दई दी हो सतगुरु ने। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो नाभि है यहां कुंडलिनी शक्ति है, वो अपन ने बचपन में देखा है, वो शक्तिमान शक्तिमान आता था ना टीवी पे, तो वो पीछे उसके दिखाते थे एक 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 कमल खिलता था ना, उससे उसको ताकत मिलती थी, उसने कमलों को जागृत कर लिया था, अष्ट कमल को उसने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया था। आज भी जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत जन है जो ध्यान करते हैं तपस्या करते हैं और जो अपने को कहते कि जा तेरा भला होगा, वो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया है। लेकिन वो जागृत तब हुई जब हम वहां तक पहुंचे। उसके पहले एक नागण है, नागिन, घोड़े की पूंछ का एक बाल कितना बारीक होता है, जिससे वायलिन के तार बनते हैं ना, वायलिन का वो बनता है, जिससे वायलिन बजती है उसको, वो घोड़े के बाल से बनती है, इतना बारीक है। लेकिन उस बाल का एक हजारवा हिस्सा, यानी उस बाल के हजार बार उसको उसकी खाल निकालो, उसको अलग अलग करो, तो एक एक हिस्सा कितना बारीक हो जाएगा कि दिख ही नहीं सकता। संत कहते हैं इतनी बारीक नागिन है वो कुंडलिनी के ऊपर बैठी हुई है। जब यहां त्रिकुटी से अमृत झरता है तो वो मुंह खोले पड़ी है, ऊपर मुंह करके पड़ी है, जैसे ही यहां से अमृत गिरता है वो अमृत को पी जाती है और अमृत को पी जाती है और जीव कभी भी उस अविनाशी से मिल नहीं पाता, कभी अपनी कुंडलिनी को जागृत नहीं कर पाता, कभी उसके जीवन में शक्तिपात नहीं होता। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं कि मैंने गुरु को पाया और गुरु ने मुझे वो कुंजी दे दी, वो हथियार दे दिया, वो तरीका वो तरकीब दे दी, जिससे मैंने उस नागण को मार दिया और नागण को मार दी तो सीधा द्वार कुंडलिनी का बचा और कुंडलिनी को फट जगा दी। वो तो जागने के लिए तैयार है लेकिन उसके ऊपर पहरा है नागिन का।
हो पांच नाग और पच्चीस नागणी पांच नाग और पच्चीस नागणी सुगत तुरंत मरी को नाम की जड़िया माने दई दी हो कबीर साहब सुनो भाई साधो